न्यूज कॉर्नर, मेरा नाम है देव्यश। गाइस आज हम लोग रिव्यू करने वाले क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस 65 लीटर का। जी हाँ, रिसेंटली मेरे अंकल जो है उन्होंने ऑर्डर किया था, तो उनके घर जाके मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने इसका आइस चैम्बर ओपन किया था, काफी बड़ा आइस चैम्बर है। अगर गाइस इस क्रॉम्पटन ऑप्टिमस की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा इसमें जो गुड फीचर है वो गाइस है ह्यूमिडिटी कंट्रोल का। जी हाँ, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, किसी भी कूलर के अंदर ये मोस्टली आता नहीं है। यहाँ पे आपको वाइट एंगर एयर थ्रो भी ऑप्शन में मिल जाएगा, साथ में ह्यूमिडिटी कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बटन गाइस काफी यहाँ पे लुक्रेटिव है, आप सिंपली ऑफ ऑन कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बटन है वो गाइस आपकी फैन की स्पीड का है। यहाँ पे आप हाई स्पीड हो गई, मीडियम हो गई या फिर लो स्पीड, आप किसी भी स्पीड के अंदर अपनी फैन को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो गाइस फंक्शन है इनके पंप का है, और पंप के साथ में इन्होंने यहाँ पे ऑटो सिंक का भी यहाँ पे साथ में ऑप्शन दे दिया, मतलब अलग से नहीं दिया। तो यहाँ पे आप पंप को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, या पंप और स्विंग दोनों को एक साथ चालू कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इसमें ऑटो ड्रेन फंक्शन है। जी हाँ, ऑटो ड्रेन का मतलब क्या होता है, पानी आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको पीछे की साइड में बताऊंगा, तो पहले एक बार नीचे चलते हैं। तो गाइस नीचे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे वाटर लेवल के बेसिकली यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिसमें आप मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, मीडियम हो गया, आप आराम से देख सकते हैं कि पानी कहाँ तक यहाँ पे भरा हुआ। आप गाइस देख सकते हैं नीचे काफी अच्छे यहाँ पे लुक्रेटिव टायर दिए हुए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग टायर है, प्लास्टिक तो नहीं है ये, एक तरह से आप फाइबर कह सकते हैं, अच्छे खासे टायर है। और पीछे यहाँ पे आप जाली देख सकते हैं, इसके अंदर हनी कॉम्बो पैड्स लगे हुए हैं, तीनों तरफ हनी कॉम्बो पैड्स लगे हुए हैं, और तीनों आराम से आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं नीचे आपको बटन दिखाना चाहूंगा, जो मैं ऑटो ड्रेन सिस्टम की बात कर रहा था। इस बटन का ऑटो ड्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है गाइस, जैसे आप यहाँ पे इसको करेंगे ऑटोमेटिकली आप आराम से यहाँ पे पानी निकाल सकते हैं। इवन इसमें यहाँ पे पीछे कूलिंग के अंदर भी यहाँ पे लो एंड हाई का ऑप्शन दिया हुआ है, पीछे ही आपका पानी का यहाँ पे आप पाइप भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, आराम से यहाँ पे पानी भी अंदर डाल सकते हैं। सो गाइस इसकी आप प्राइस की बात करूं तो अमेजोन के ऊपर इसकी प्राइस है 11,499, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आपके पास में एक अमेजोन का बिजनेस अकाउंट है तो ये सिर्फ आपको 9,744 का पड़ेगा, क्योंकि बाकी का जीएसटी आप इजिली एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस काफी अच्छा कूलर, आप रेटिंग भी देख सकते हैं, 234 यहाँ पे रेटिंग है, नीचे जाके आप रिव्यूज भी पढ़ेंगे तो काफी अच्छे आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। तो गाइस इसमें सबसे बड़ा की खास जो यूनिक मुझे बात ये लगी बस इसके अंदर, कि आपको एक तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो ड्रेनेज का यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है, और फोर वे तो एयर डिफ्लेक्शन है साथ में। और अगर मैं एयर थ्रो डिस्टेंस की बात करूं तो 55 मतलब फीट तक बेसिकली ये एयर थ्रो कर सकता है आराम से। तो गाइस आपका अगर छोटा सा हॉल है या मीडियम साइज का भी रूम है तो, और मान लीजिए अगर आपके उसके अंदर खिड़की भी है, तो गाइस ये काफी अच्छा आपको यहाँ पे रूम के अंदर टेम्परेचर को आराम से मेंटेन कर सकता है। इसके साथ में कुछ चीज बताना चाहूंगा, इसके अंदर ये 65 लीटर में भी आता है और 100 लीटर में भी आता है। एक इसके अंदर 65 लीटर आई स्मार्ट कूलर भी आता है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं था और ये काफी ज्यादा इसमें बस थोड़े से फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप चाहे तो 100 लीटर या फिर 65 लीटर का जो भी आपको पसंद है वो यहां पे आप परचेस कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए।